और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आज यूपी विधानसभा का मानसून सत्र जो है उसका दूसरा दिन है और सत्र शुरू होते ही आज भी हुआ है हंगामा। आपको बता दें विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर किया है हंगामा और विधानसभा की कार्रवाई 40 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा उत्तर प्रदेश से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आज मानसून सत्र का दूसरा दिन था आपको और आज भी 40 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी है कार्रवाई। आपको बता दें कि आज दूसरे दिन विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा किया है। उस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन था और इसको लेकर विपक्ष ने हंगामा किया और कानून व्यवस्था पर सरकार पर सवाल खड़े किए। से कल पहले दिन के बाद संवेदन है हंगामा 40 मिनट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां यूपी विधानसभा का सत्र का आज दूसरा दिन था और उसके चलते विधानसभा की कार्रवाई को 40 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि आज विपक्ष ने सरकार को कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए घेरा है। लगातार जिस तरह से सोनभद्र की घटना हो गई, तमाम घटनाएं हैं उस तरह के बाद आज सवाल के घेरे में सरकार को खड़ा किया है विपक्ष ने और इसके चलते हंगामा किया, तो वही 40 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा सत्र। उस वक्त की एक बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन भी हंगामे से शुरू हुआ। आपको बता दें कि कल सोनभद्र की घटना से विपक्ष ने हंगामा किया था और आज उसी घटना को लेकर कानून जिस प्रकार से लचर व्यवस्था थी उसको लेकर सरकार को घेरा है विपक्ष ने और इसके चलते विधानसभा को 40 मिनट के लिए फिर से स्थगित कर दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं और वहीं पर सभापति ने 40 मिनट के लिए सभा को स्थगित कर दिया।